हेलो गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है गाइस। वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में आपके लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं मेरी सिस्टर साक्षी गनोत्रा, साक्षी वोरा नाउ, राइट। एंड शी इज ऑल्सो एन अनअकैडमी एडुकेटर। सबसे पहले तो जो लोग मेरा सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, माई सेल्फ चंदन गनोत्रा, योर फेवरेट जुगाड़ू सर। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT हैदराबाद और अभी करंटली मेरी अनअकैडमी पर रैंक नंबर 2 चल रही है। मतलब ये सिर्फ बातें होती रहेंगी। लेट्स वेलकम माय सिस्टर साक्षी वोरा। सो आई एम वेलकम। Hey guys, what's up? How are my all SV Atoms? I hope all of you are doing great, right? I think बहुत सारे बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जुगाड़ू सर को ऑलरेडी जानते हैं। एंड बहुत सारे बच्चों के लिए एक शॉकिंग सी बात आई है कि आर दे सिबलिंग्स? सो यस, वी आर सिबलिंग्स। Yes, we are siblings guys। तो क्या हाल चाल है खुशी, शेखर? फटाफट यार शेयर करो इवेंट को, तब तो मजा आएगा यार। मतलब तो आज का सेशन बाय द वे इट इज वेरी रेलेवेंट फॉर 9th and 10th स्टूडेंट्स, इवन फॉर 11th and 12th। द रीजन आई रिक्वेस्टेड माई सिस्टर टू कम फॉर दिस सेशन इज बिकॉज शी इज अ जेई एडुकेटर। ये जेई के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। एंड हम सब फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, हमें बहुत कई बार ऐसा लगता है कि सर क्या किया जाए, क्या मिस्टेक्स नहीं दोहराई जाए। एज यू माइट बी अवेयर कि मैं तो IIT हैदराबाद से हूँ, माई सिस्टर इज फ्रॉम IIT रुड़की। तो हम दोनों ही IITians हैं। एंड इट वुड बी बेस्ट टू नो द मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी, एंड टू नो अ लिटिल बिट अबाउट जो चीज़ हमने सही की थी। सो बहुत बढ़िया। सो गाइज बहुत बढ़िया, शेयर करो यार इवेंट को। I think I will not be calling him Chandan because it's official thing, so I will call him your favorite जुगाड़ू sir. Yeah. So I think इस वीडियो को बहुत सारे SV Atoms भी देख रहे हैं, along with जुगाड़ू आर्मी। If I'm not wrong, this is what you call your students, right? Yeah. So जितने भी जुगाड़ू आर्मी students हैं and जितने भी SV Atoms हैं, आज we thought of discussing. Many of you must be knowing that both of us are passed out of IIT, different IITs, है ना? Many of us you do not know us. So guys, चलो मैं एक बार अपनी formal introduction दे देती हूँ, है ना? क्योंकि मतलब अभी आप मेहमान हो इस चैनल में, आप मेहमान हो, आपके चैनल में मेहमान होऊंगा। Okay, so एक formal introduction, guys. My name is Sakshi Vora and I am a pass out of IIT Roorkee. You must be surprised to know I was 10th and 12th CBSE state topper and I was also awarded with KVPY fellowship जब मैं grade 12th में थी, ठीक है? And बहुत सालों से मैं JEE के students को पढ़ा रही हूँ and I think many of you students जो अभी 9th या 10th में हैं या फिर 11th या 12th में हैं, you guys are preparing for maybe अभी या maybe later on stage पे you'll be preparing for JEE, है ना? So, आज we will be discussing कि हमने ऐसी क्या चीजें करी थी जिससे वो एक टैग लग गया that both of us are IITian, है ना? और क्या चीजें हमने गलत करी थी जो I think you should not be doing. Absolutely. And since the session is अभी most of the जनता I think are from 9th and 10th और बहुत सारे आपके chemistry atoms भी होंगे, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि हर एक की लाइफ में यार कुछ ना कुछ इंस्पिरेशंस होते हैं, मतलब होते ही हैं। आप सबको पता है, मैंने कई बार आपको बता रखा है, वन ऑफ द इंस्पिरेशन इन माय लाइफ इज कल्पना चावला फॉर लाइफ, राइट। और कई बार क्या होता है, कुछ इंस्पिरेशंस जो होते हैं, कुछ लेजेंड्स जो होते हैं, वो आपके घर पर ही होते हैं। सो देयर वाज वन रोल मॉडल जिसको मैं हमेशा, जिनको लुक अप टू करता था, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पिलर इज माई सिस्टर। शी वॉज द स्टेट टॉपर 10th में भी और 12th में भी, राइट और स्कूल में टॉप करना ये तो आदत है इनकी। तो मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद मिल गया। सो दैट इज इट। तो आज जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं गाइज, वो ये है कि हम कैसे पहुंचे IIT में, दैट इज वन थिंग। द सेकंड इज कि क्या मिस्टेक्स हमने करी कि मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि मतलब ऐसा तो ना कि मिस्टेक्स भी हुई होंगी बहुत सारी, और बहुत सारी मतलब सक्सेसफुल टिप्स भी होंगे। सो लेट अस नाउ गेट स्टार्टेड यार। सबसे पहले बता दो कौन कौन जुगाड़ू आर्मी से, कौन कौन केमिस्ट्री एटम से। तो गाइस सबसे पहले तो एक चीज स्टार्ट कर लेते हैं कि जो ये 3 अल्फाबेट वर्ड है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया में यार ये एक अल्फाबेट नहीं है, एक वर्ड नहीं है, ये एक ड्रीम है, एक सपना है, राइट। और इस सपने को बहुत लोगों ने जिया है, बहुत लोग अभी भी जी रहे हैं, और आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो इसको एस्पायर करते हैं। क्यों मैम? यस, राइट। और ये हमने अपने स्टूडेंट्स में देखा है, हमने खुद अपने जब कोचिंग डेज में या फिर ट्यूशन में, इवन IIT में, कि ये जो चीज होती है ना, ये एक अंदर से कीड़ा है। मतलब कि जब पड़ गया तो पड़ गया, और ये ऐसी चीज है, और इसको पाने के लिए यार हम बहुत मतलब हद गुजर जाती है। Yeah, you remember, okay, many of you must not be knowing this. जब हम लोग तुम जितने थे है ना, व्हेन आई वाज इन आई थिंक ही इज 2 years younger to me, तो जब हम लोग तुम्हारे जितने थे तो देयर वाज अ कोटेशन जो मैं हर रोज सर को सुनाती थी और तुम्हारे सर मुझे सुनाते थे. आई जस्ट टेल द कोट टू यू ऑल्सो, मुझे आज तक वो कोट बहुत ज्यादा पसंद है. सिंस ही टोल्ड कि IIT जाना एक ड्रीम होता है, राइट, IIT जाना एक मंजिल को पाने जैसी चीज होती है. सो आई टेल यू वन कोट रिलेटेड टू माई टाइम, जब मैं अपने आप को बोलती थी कि हाँ आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू गो टू IIT. सो आई टेल यू द कोट वॉज समथिंग लाइक, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या. मतलब जब हमें पता था कि IIT जाना, JEE क्लियर करना टफ है, बट एक बार हमने ठान लिया ना कि हमें JEE जाना है, JEE क्लियर करना है, IIT जाना है, भाई सब लाइफ में कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे वो कहते हैं ना आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, निकल जाए, बट जाना ही जाना है ना. तो वो ड्रीम अपनी देखो, सबसे पहले तो सपना देखना बहुत जरूरी है. एंड गाइस एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी बोलते होंगे, हम जो सब लोग है ना, हम कैटलिस्ट की तरह, हम रिएक्टेंट नहीं है, राइट. आप खुद ही रिएक्टेंट हो, आपका खुद का ही प्रोडक्ट है. टीचर्स आर लाइक कैटलिस्ट. हर एक की लाइफ में ऐसे कुछ कुछ कैटलिस्ट होते हैं. वन ऑफ देम इज राइट नियर मी. तो यार एक चीज तो ये हो गई कि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे द बैकग्राउंड्स दैट वी कम फ्रॉम, बहुत सारे आप में से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, मतलब हमारे पास चॉइस नहीं होती लाइफ में सक्सीड करने की, इसके अलावा कि यार हम अच्छे कॉलेज से चले जाएं. आई गेस दैट इज द रीजन मैम कि IIT इंडिया में बहुत ज्यादा ही, मतलब ओवर हाइप्ड भी नहीं कहूंगा, एक ड्रीम है मतलब सबका, क्योंकि यार एक ऐसी चीज है, सपोज इफ आई वाज नॉट इन IIT, शायद मैं यहाँ ना खड़ा होता, शायद मेरे में उतना कॉन्फिडेंस ना आता, मतलब मेनी थिंग्स लाइक IIT took me to like first foreign trip. Yes. So like most and जितना मुझे याद है, you were in second year है ना, when you went for a foreign trip. तो मतलब देखो जो छोटी छोटी चीजें तुमने आज करी हैं, let's talk about this session only. बहुत सारे बच्चे इस सेशन को जस्ट फॉर अ फन इवेंट काइंड ऑफ देख रहे होंगे है ना. तो मैं चाहती हूँ आज के सेशन से बेशक कोई एक सिंगल बच्चा भी क्यों ना हो, उसको इतनी मोटिवेशन मिले कि उसका ये स्टेप, एक छोटा सा सेशन देखने का स्टेप ही उसको धीरे 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 उसकी मंजिल की टूवर्ड्स लेके जाए. बिकॉज ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप दैट यू टेक इट मैटर्स अ लॉट. द कंप्लीटली जो फ्यूचर है ना, वो उस एक एक छोटे छोटे स्टेप्स पे डिसाइडेड है. एब्सोल्युटली. तो मैम थोड़ी सी पहले पिक्स दिखा देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट. तो ये वाली पिक मैंने 1-2 क्लासेस में भी सर्कुलेट करी है, उसमें मैं काफी पतला लग रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब अनअकैडमी में आने की खुशी में मोटा हो गया, जुगाड़ू आर्मी बनाने की खुशी में मोटा हो गया. बट दिस इज माई ग्रेजुएशन थिंग एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम, आपको याद हो मम्मी पापा को मैंने बुलाया था फ्लाइट में. मतलब रियली अ गुड फीलिंग, राइट, व्हेन यू कॉल योर पेरेंट्स. So, जब आपको डिग्री मिलने वाली होती है ना, when you are supposed to get your degree and you call your parents कि come and be there with us, जिनकी वजह से हमने इतना कुछ लाइफ में पाया है ना. Absolutely. So, सबसे पहले guys, I will request you simply one thing, always always be grateful to your parents, because parents की वजह से ही हम जो भी लाइफ में हैं वो हैं, right? So always always try to be grateful to your parents. Absolutely. And मैम अगली फोटो आपकी देख लेते हैं. एंड इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं बताता हूँ. शी इज फ्रॉम IIT रुड़की एंड जस्ट आफ्टर 2 years शी वाज कॉल्ड टू IIT रुड़की टू डू रिक्रूटमेंट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो शी वेंट विद माय ब्रदर इन लॉ, हर हस्बैंड निशांत वोरा सर, राइट. एंड दिस इज इट. मतलब समझ रहे हो कि अगर वो आपका सपना होता है ना, तो देख रहे हो, मतलब दिस पिक्चर इज माय फेवरेट कि आप जिस कॉलेज से पास आउट हो उसमें आप रिक्रूटमेंट के लिए भी जा रहे हो, मतलब दैट इज समथिंग. ये बहुत अच्छी बात है. चलो अब मैं अपनी तारीफ तो देखो नहीं सुन सकती हूँ, तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाती हूँ. चलो चलिए, हाँ अब सीधा एक बार मतलब की बात पर आते हैं, ठीक है. अपनी तारीफ बहुत हो गई. नहीं तो बच्चे बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि अरे ये तो मतलब ऐसे फ्लॉन्ट कर रहे हैं, देखो देखो वी आर फ्रॉम IIT. सो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. सिंस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड कि मैम आपने क्या किया था कि बोथ ऑफ यू, आई मीन द कंप्लीट फैमिली वेंट टू IIT, व्हाट डिड यू डू. सो आई थॉट लेट्स गेट टुगेदर एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन कि व्हाट वी डिड एंड व्हाट वी वर नॉट टू डू, जो हमने कर दिया. हां परफेक्ट. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट. यार मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जिनको मैथ से बड़ा डर लगता था. मतलब मैथ्स इज वन ऑफ द वेरी टिपिकल सब्जेक्ट्स कि मतलब फिजिक्स संभल जाती है, केमिस्ट्री भी संभल जाती है एक हद तक, पर मैथ्स में दिक्कत आती है। और जैसे आप जब 10th से 11th में जाते हो, द ओनली थिंग दैट स्केयर्स यू इज फिजिक्स। फिजिक्स रहती नहीं है, आधी फिजिक्स मैथ्स कन्वर्ट हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, मतलब सारे सब्जेक्ट्स मतलब जस्ट कन्वर्ट हो जाते हैं एकदम मैथ्स, हार्डकोर मैथ्स। इवन वो इंजीनियरिंग तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बट वन ऑफ द थिंग, मेरे को मतलब सारे बच्चे पूछते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स का क्या इजी वे आउट है, लाइक हाउ टू क्रैक न्यूमेरिकल्स। और पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भरा होता है न्यूमेरिकल से, खासकर फिजिक्स और मैथ्स में। तो द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस, कि जब तक आपने मतलब आपको याद है वो 7-8 रुपए की एक वो आती थी, रजिस्टर आता था जो भर देते थे, ब्राउन कलर का, सस्ते से सस्ता आता था। और उसको एक एक सम को 25 बार, मतलब एक सम को नहीं बट बहुत सारे सम्स करते गए तो पूरा भर दिया। एंड देन समबडी वुड आस्क कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब व्हाई आर यू रिपीटिंग द थिंग्स, व्हाई आर यू रीडूइंग द थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी डन। तो मैथ्स बॉस इज द वेरी सिंपल थिंग, इज अबाउट प्रैक्टिस। मैथ्स में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, देखो यार फिजिक्स देख के समझ आ जाती है, जैसे फिजिक्स में कोई डेफिनेशन बता रहे हैं ऐसे लगता है हाँ सर मैं कुछ कुछ लिख दूंगा। सर हियर आई वुड लाइक टू इंटरप्ट एज पर माय थॉट, है ना, मुझे लगता है मेरे सारे एसवी एटम्स को ये बात पता है कि मैम का वीकेस्ट सब्जेक्ट वाज फिजिक्स। सो आई विल टेल यू वन स्टोरी। आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड व्हेन ही वाज इन 8th स्टैंडर्ड, है ना, एंड आई स्टिल रिमेंबर 10th में आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू गाइस स्टडी अबाउट द टिक 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 लाइन रेजिस्टर्स एंड ऑल, है ना, वो सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर्स। आई नेवर अंडरस्टूड फिजिक्स, नेवर एवर। एंड हियर वी हैव दिस गाय वाज इन 8th स्टैंडर्ड, है ना, एंड आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एंड I used to go to him to ask him how this resistor series parallel thing is done. So it is totally up to you if you do not like one subject, but what I'll suggest you find someone who teaches you the subject in a better way. May he be your sibling, may he be your senior or your friend. थोड़ी ज़्यादा तारीफ हो गई, but हाँ मतलब the thing is guys कि मतलब एक वो रखो, जोश रखो, और मतलब maths is all about practice. मैम self study के बारे में कुछ बताओ कि मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज द सेल्फ स्टडी, क्योंकि यार मैंने मतलब अपनी सिस्टर को जो देखा है ना कि सेल्फ स्टडी मतलब आप अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाओ, अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ लो, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी और आपको क्या प्रिपरेशन में हेल्प मिली। आई थिंक दिस पॉइंट सूट्स मी द बेस्ट, है ना। सो आई टेल यू, ठीक है, आई टेल यू वन थिंग। आई नेवर वेंट टू अ कोचिंग। आई व्हेन आई वाज इन 10th grade also I told you I was school topper, but I never joined any tuition or coaching. So I was used to do self study since my childhood. And then when it came to 11th and 12th, I couldn't do without tuitions. I needed some external help. I took the help from some of my teachers, but I will tell you one thing very honestly. मेरे टीचर्स ने मुझे जितना सिखाया आई थिंक उससे ज्यादा मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से सीखा। मुझे आज भी ये लगता है कि अगर यू अटेंड सम टीचर्स सेशन, किसी एक टीचर का सेशन आप लोग अटेंड करते हो, है ना, आप उनसे बहुत कुछ सीखते हो। आई टोटली अग्री, आई एम एन एजुकेटर एंड आई नो कि जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट, बट जब उस चीज को खुद से बैठ के, है ना, डोर बंद करके, अब इट इज योर पर्सनल चॉइस कि तुम ईयर प्लग्स लगाकर म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ते हो या एकदम साइलेंस में पढ़ते हो, इट इज टोटली अप टू यू। बट जब तुम सेल्फ स्टडी करते हो तो जो टीचर ने सिखाया होता है ना, उससे आई थिंक डबल हमें समझ आ जाता है। ये मुझे नहीं पता इसका क्या मैकेनिज्म है। वन ऑफ द थिंग इज कि मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की कुछ बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, इसमें एक फंडा ये होता है कि वी ट्राई टू एम्यूलेट अदर्स। मतलब ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है यार, बचपन से वो स्टार्ट होती है कि हम दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे आप बड़े होते रहते हो ना, सपोज मुझे अगर सर्किट्स अच्छे लगते हैं तो यू ट्राई टू एम्यूलेट मी कि अच्छा मैं भी ऐसे करूंगा। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस रियलाइज होती है, राइट। और जब आप एग्जाम दे रहे होते हो ना दोस्त, तो वो सेल्फ स्टडी है। मतलब इनडायरेक्टली कि आप ग्रुप स्टडी जितनी भी कर लो, मतलब आप जितना भी इधर उधर टीचर से पढ़ लो, बट सेल्फ स्टडी इज द रूम जो आपको बताएगा कि आपको कितना अच्छा आता है। यू आर इन, मैं वो हिंदी में अनुवाद करती हूँ, आप कितने पानी में हो वो तभी पता चलता है जब आपने खुद से बैठ के पढ़ाई कर रखी है। जितने मर्जी ग्रुप स्टडी कर लो, टीचर से जाके डिस्कस करो, डाउट्स पूछ लो, व्हाटएवर यू डू, बट अंटिल एंड अनलेस यू सिट एंड यू डू सेल्फ स्टडी, दैट इज ओनली थिंग व्हिच इज गोना हेल्प यू आउट। एंड द अदर पॉइंट गाइज इज कि 9th और 11th ऐसी क्लासेस है ना जिसमें आप इजिली अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बना सकते हो, ठीक है। बट व्हाट आई मीन बाय दिस स्टेटमेंट इज क्या नाइन्थ में आपको याद है आपके पेरेंट्स ज्यादा पूछते नहीं थे, मतलब कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट द मार्क्स कि कितने आए। टेंथ में सडनली एकदम पूछने लग जाते हैं, मतलब क्यों? क्योंकि एक सोसाइटी का पीयर प्रेशर, फियर, ये सब होता है। तो नाइन्थ और इलेवेंथ गाइज ये दो चीजें हैं जिसमें आप अपने पेरेंट्स को चीट नहीं कर रहे, आप अपने आप को चीट कर रहे हो। आई स्टिल रिमेम्बर आपका तो मतलब आप तो टॉपर थे, मेरा भी भगवान की कृपा से 9.8 आ गया था टेंथ में, बट जब आप टेंथ में आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो यू आर इन द ऑफ द कफ ईगो कि यार मैं तो 4 दूंगा 11th भी, राइट? एंड देन सडनली आप किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हो, अनअकैडमी को ज्वाइन करते हो, अब तो इतने सारी चीजें आपके लिए हैं। एंड देन व्हाट यू रियलाइज इज कि यार 11th आपने मजे मजे में खराब कर दी, राइट? और ये जो खराब करना होता है ना, ये आपकी जेई को इतना बर्बाद कर सकता है जिसको आपको आइडिया भी नहीं है, क्योंकि अभी दोस्त आपके 4 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, 3-4 चैप्टर्स हैं कट कटा के, तब आपके 40 चैप्टर्स हो जाने वाले हैं, राइट? सो द सिलेबस इज सो ह्यूज, और ये जितने भी आपको दिखता है ना 2 मंथ में IIT करवा देंगे, 3 मंथ में करा देंगे, यार ब्रोशर्स ही अच्छे हैं ये, मतलब दीज आर जस्ट ब्रोशर्स। आपको अच्छे से 2+ ईयर्स की तैयारी करनी पड़ेगी सो एज टू सिक्योर अ गुड रैंक इन IIT। मतलब मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही कॉमन सी लाइन है, हर कोई बोलता है, बट विद एक्सपीरियंस मुझे भी अब ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। जब मेरे टीचर्स ने ये लाइन बोली थी तो आई वाज लाइक चुप रहो यार मत बोलो, बट अब इस बात का इंपॉर्टेंस रियलाइज होता है। पीपल से कि जब घर बनाते हैं ना तो नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, योर फाउंडेशन हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग इफ यू वांट द बिल्डिंग टू बी परफेक्ट। एंड द सेम थिंग आई विल से, अगर किसी बच्चे ने 9th के टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं एंड द सेम थिंग गोज फॉर 11th के टॉपिक्स अगर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो यू नो जो फोबिया होता है ना अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इट बी अ थियरी एग्जाम, जो भी फोबिया होता है वो फोबिया रिड्यूस हो जाता है। और वो रिड्यूस क्यों होता है? बिकॉज योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। वंस योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर ना, यू गेट कॉन्फिडेंस एंड द कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विद इन। सो आई विल सजेस्ट एवरीवन, जो भी बच्चा एक बिगिनर है फॉर जेई प्रिपरेशन, मे बी यू आर इन 9th or 10th, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनी स्टूडेंट हु इज इन ग्रेड 11 या जो 10 to 11 मूविंग होते हैं, वो घबराए मत, है ना? टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स, आस्क टीचर्स कि तुम्हें गाइड करें, काउंसिल करें, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज ट्रांजिशन। 10th में लाइफ इज लाइक चिल चिल, 11th में आते ही लाइफ इज लाइक ओ माय गॉड, है ना? सो टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स कि क्या क्या स्ट्रीम्स हैं, कितनी पढ़ाई करनी होती है। सो मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को मैम काफी सही लग रहा है। गाइज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज आस्क इन द सेशन, जो भी रेलेवेंट होंगे विल टेक योर डाउट्स एज वेल। एक अगला पॉइंट मैम जो मैं मतलब बताना चाहता हूँ यहाँ पर, दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ स्टडी ओनली, दैट इज मेक योर ओन नोट्स। यार मुझे अभी भी याद है द वे इवन इन IIT आई यूज टू मेक नोट्स। मुझे मतलब जनरली यार IIT हैदराबाद में एवरी लेक्चर वॉज इन इंग्लिश, नॉर्थ के IITs में इंग्लिश में चल जाता है, रुड़की में और उसमें, बट IIT हैदराबाद सिंस इट इज नियर टू द साउथ तो सारे लेक्चर्स इंग्लिश में होते थे। एंड इवन दो मतलब वी आर इंग्लिश मीडियम, बट हमें जो दिमाग काम करता है वो कई बार एकदम फटाफट हम हिंदी में भी लिख लेते हैं। सो एंड इवन दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हर कि मतलब आप जो नोट्स बनाते हो ना, दैट हैज टू बी इन योर ओन लैंग्वेज, दैट हैज टू बी इन योर ओन वर्डिंग्स। मतलब आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। आपको कोई भी बेस्ट एडुकेटर्स या जितने भी नोट्स दे दे, राइट, आपको बेस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स के नोट्स मिल जाए, बट नथिंग इज बेटर देन योर हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपको जेई के 2-3 महीने पहले काम आएंगे। कि मतलब वो जो होता है ना डब्बे में लिख लेते हैं कुछ लोग और कुछ लोग स्टार बना देते हैं। इसी का सर आई लाइक टू गिव एन एग्जांपल। आज आई वाज टेकिंग वन क्लास ऑन माय चैनल, ओ या फॉर आई थिंक जिन बच्चों ने, जितने भी 9th और 10th वाले बच्चे हैं who have already started studying for JEE, if you have still not subscribed to my channel Unacademy Atoms, make sure you are already an SV Atom, okay? Because ma'am एकदम super तरीके से chemistry पढ़ाती है, if you don't know. And guys, to all Jugaadu Army, you have to go. That's an Unacademy channel. Chemistry Atoms, मतलब सब जाकर यार subscribe कर देना, ठीक है? हाँ, okay. So I was saying कि today I was taking one class जहाँ पर मैंने अपने टाइम के नोट्स अपलोड करे। आई स्टिल हैड द कॉपी ऑफ दोज नोट्स, दोज हैंड रिटन नोट्स। सो जिसको ग्लिम्स चाहिए ना कि व्हाट काइंड ऑफ नोट्स आई यूज टू प्रिपेयर या व्हाट काइंड ऑफ नोट्स आर रियली गुड, जो एग्जाम के लास्ट डे पे काम आते हैं, एक बार वो सेशन जरूर देखना। यू विल गेट एन आइडिया कि मैम ने कैसे हाथ से लिख लिख के इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे। सो नोट्स बनाना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। लड़के लोग जनरली अवॉइड करते हैं, बंदियों से मांग लेते हैं, अच्छी नहीं होती। एंड मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग सर मैम क्यों बोल रहे हो यार, अगर डॉक्टर आपका अगर भाई हो या जो आप डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलते हो ना यार, मतलब दिस इज प्रोफेशन। मतलब सेशन एंड होने के बाद भाई बहन है, अभी वी आर एजुकेटर्स। अगली स्लाइड कर देना। श्योर श्योर। सो आई होप गाइस सेशन अच्छा लग रहा है। लाइक वाइक तो ठोक दो यार, मतलब लाइक वाइक करने में पता नहीं क्या मतलब वो हो जाता है। 188 लाइक्स कंफ्यूज हो जाते हैं। द टारगेट इज 500 लाइक्स, एकदम आईआईटी लेवल का टारगेट है यार। अब आ जाते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स में। मतलब अब एक तो चीज हो गई यार, एजुकेटर अच्छा है, ठीक है, एजुकेटर की प्रोफाइल अच्छी है, मजे आएंगे, बट देन आपने मिस्टेक क्या करी है जो हमें रिपीट नहीं करनी। वन ऑफ द थिंग इज यार कि वो मेरी बहुत गंदी आदत थी कि आई यूज टू मतलब नॉट डाउट द टीचर बट नॉट डाउट द कैलिबर टीचर्स आर टीचर्स, बट कई बार ना हम थोड़े सिनिकल हो जाते हैं कि यार मैं सही टीचर से पढ़ रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं सही कोचिंग से अच्छा कोई और टीचर है, व्हाट इफ जो होता है ना, एक फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि क्या मैं मतलब मिस आउट तो नहीं कर रहा ये चीज। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है यार जो मुझे अभी तक लगती है कि वन ऑफ द थिंग इज कि वी डोंट स्टिक टू अ सिंगल बुक। मुझे ये फाउंडेशन में भी अभी लगता है सर पियर्सन्स कर लें, नहीं सर एचसी वर्मा कर लें, सर एमटीजी कर लें, सर लखमीर सिंह भी ठीक ही है, सर एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप, सर मतलब या इवन एट आवर होम, यस, जब हम तुम्हारे जितने थे वी हैव आल्सो डन द सेम मिस्टेक। हमारे जस्ट बाजू में एक स्टोर रूम है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स भरी हैं। So we don't want you guys to repeat the same thing. बहुत सारी बुक से पढ़ना is not very great idea, ठीक है? Just choose one or two books, और वो एक दो books भी अपने teachers को consult करके किया। So many people, you know, they start studying and then after half a year they realize, oh, this book is not great. Absolutely. And दूसरी चीज क्या होती है यार, एक जो confidence वाला जो चीज आपको लगता है ना सर confidence ही नहीं बढ़ रहा, सर क्या करें? कॉन्फिडेंस तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप एक चीज को कंप्लीट नहीं करोगे। लाइफ में कभी देखा है किसी रेस को कंप्लीट करते हैं तब कॉन्फिडेंस आता है। हर बुक का पहला पहला चैप्टर पढ़ लिया, एक इसमें से कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस एक ऐसी चिड़िया का नाम है, जब तक आप डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचते ना, इट इज जस्ट अबाउट प्लेन यहाँ से निकला वहां पर पहुंचा, जब तक आप नहीं पहुंचोगे तो आप हवा में ही हो यार। हवा में जितनी भी बातें कर लो यार, हवा में हम भी एयर ट्रैवल करते हैं, वी फील लाइक ना कि अगर पायलट ने कुछ ब्रेक गलत मारी तो ठाक नीचे, until and unless you reach the destination you feel like oh now everything is okay, है ना? So make sure जिस बुक को उठाते हो उस बुक में से सब कुछ कंप्लीट करो if it is a good book। और वो कैसे पता चलेगा it's a good book और it's a good teacher? You can definitely explore the teachers, you can definitely explore new books, but try to consult your teachers, जो teachers suggest करते हैं this one is good, you can go for it, so try to stick to that thing. Revision. I have one theory, I don't know even you know about this or not. So there is a theory which is known as reverent. I would like to write it here. So even you are not aware, है ना? So this I used to see. There are some, you know, some secrets which you hide from your siblings also that we will not tell you because I want to go ahead. So there is this theory which is Reveret theory. I have been following it since my childhood. I'll tell you what is this theory about. You know, chemistry में अब मेरा subject ऐसा है, people से मैम बहुत रट्टा होता है, even you used to say कि मैम बहुत रट्टा होता है, समझ नहीं आता। तो I'll tell you a theory. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, I think you know about राम 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 एक, राम 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 दो, till 108 we speak that, है ना? अब एक फॉर्मूला है, मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स का कुछ एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर हो गया। अगर उसी फॉर्मूला को तुम एक ही दिन 10 बार या 15 बार एक साथ लिखोगे तो वो टेम्परेरीली माइंड में फिट हो जाता है, ठीक है? बट मैं ये बोलती हूँ कि जैसे मेडिसिन लेते हैं ना, कि एक दिन सुबह देन रात को, नेक्स्ट डे सुबह रात को, पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं, है ना? तो अगर एक चीज को, एक फॉर्मूला को तुमने सुबह पढ़ा, उसी फॉर्मूला को रात को रिवाइज करो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे, तो जितनी बार रिवाइज होगा ना उतनी बार माइंड में रिटेन होता है। सो दिस इज द थियरी ऑफ रेवरेट। द मोर यू रिवाइज द मोर रिटेंशन इज देयर एंड द मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेट। सो जिन बच्चों को केमिस्ट्री से प्रॉब्लम है ना, मे बी फिजिक्स या मैथ से प्रॉब्लम है, गो फॉर रेवरेट। बारी बारी रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में 25 बार रिवाइज कर लिया, नो, 25 दिन हर रोज एक बार रिवाइज करो। सो दिस इज व्हाट गाइस, दिस इज अ वेरी गोल्डन कॉन्सेप्ट। मुझे भी कुछ मतलब रिंगिंग द बेल्स हो रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, प्लीज नोट इट डाउन और इसको फॉलो कीजिएगा। जिन जिन बच्चों को केमिस्ट्री में जो थोड़े अ लिटिल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, आई डोंट थिंक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कुछ होता है, इट्स जस्ट योर अप्रोच, बट इट इज अ वेरी गोल्डन ट्रिक। दिस थिंग इज एप्लीकेबल यू नो फॉर योर इवन जो बच्चे छोटे हैं जो एसएसटी वगैरह पढ़ते हैं, मुझे कभी नहीं पसंद थी स्टेट्स के नाम और ये सब वहां पर भी दिस वर्क्स. तो बाय ट्राई टू टीच अदर पर्सन, और जब तुम दूसरे को पढ़ाते हो तो दोबारा तुम्हारा रिवीजन होता है. सो द कंप्लीट थ्योरी सेज रेवरेट, बारी-बारी रिवाइज करो, बारी-बारी रिटेन हो जाएगा. परफेक्ट. अगला पॉइंट मैम जो मैं आप डिस्कस करना चाहता हूं जो सबके लिए ही रेलेवेंट होगा, दैट इज द फाउंडेशन मैटर्स. आपने भी अभी बताया था, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, राइट. मैं भी सिविल इंजीनियर हूं तो मुझे थोड़े फैक्ट्स भी पता है कि इट इज अबाउट 780 मीटर्स और उसकी जो फाउंडेशन है वो 50 मीटर्स है. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन एवर बिल्ड, राइट. जितनी आप ऊंचा जाना चाहते हो उतनी आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए. अब एक दिक्कत क्या है, दिस इज अनदर वन ऑफ द थिंग जो मुझ में नहीं था हमारे टाइम में. सी नाउ यू आर एन इंटरनेट जनरेशन किड्स, मतलब द मोमेंट चीजें आती हैं आपको पता हो जाती हैं. वी आर फ्रॉम द एज ऑफ गाइड्स, हम गाइड्स वगैरह को फॉलो करते थे. I still remember we used to go to library, वहाँ से बुक निकाल के. Absolutely. I wonder कि लोग आप जाते हैं कि नहीं. But anyways, coming to the topic, गाइस जो फाउंडेशन है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ मैम. एक एनटीएससी का एक एग्जाम होता है, हमने हमारे स्कूल में हुआ भी नहीं था. एनएसओ वगैरह हुए थे, दिए थे, अच्छा आया था. तो एनटीएससी इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, सब 9th और 10th के जनता को पता होगा. सो दैट्स एन एग्जामिनेशन रिटन बाय 10th क्लास का स्टूडेंट. अब जो इसका सिलेक्शन परसेंटेज होता है ना, दैट इज वेरी नियर टू जेई, राइट. अब नियर अबाउट 1 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड 4000 पीपल आर सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, राइट. अब आपको लग रहा होगा सर जेई में तो सर 10 लाख इतने सारे देते हैं, बट एनीवेज दिस इज सेम एज केवीपीवाई, राइट. यू गाइस हैव एनटीएसई गाइस हैव केवीपीवाई. अब पॉइंट क्या होता है, अब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो बोलते हैं सर हम एनटीएसई क्यों भरे, मतलब क्या जरूरत है. और मतलब और एक और एग्जाम होता है, मतलब आईजेएसओ, मतलब जूनियर साइंस ओलंपियाड, उसमें पूरे इंडिया में 6 बच्चे सेलेक्ट होते हैं. That's next to impossible, right? कि कैसे ये सिलेक्शन हो जाएगा. और अगर हो भी गया then you will be like top 10 of IIT, मतलब रैंक तो आएगा ही, top 10 रैंक आएगा. तो बहुत सारे बच्चों को डिमोटिवेशन होता है सर क्यों पढ़े. अब मेरा एक लॉजिक अलग है मैम इसमें, कि आपने उन 80,000 बच्चों में अपनी जगह बनाई, ठीक है. मान लो आपकी 4,000 रैंक नहीं आई, 50,000 आई, राइट. बट आप थोड़ा तो आगे पहुंचे, राइट. अनदर थिंग इज, जब आप 11th में फर्स्ट टाइम ओएमआर भर रहे होगे ना, आधे बच्चों को ओएमआर भरनी नहीं आती मैम, ठीक है. ओएमआर गलत भर देते हैं, आपको उसका एक्सपीरियंस हो गया. अनदर थिंग, आपको एक टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पता लग गई. मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको लगा कि सर एनटीएससी तो बहुत सिंपल होता है, बट व्हेन इन एग्जामिनेशन हॉल आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन पर मिलता है, तब पता लगता है कि बॉस इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड्स. तो ये जो स्किल्स है ना, ये मतलब ये फाउंडेशन बनाता है आपका, भले आपके ओलंपियाड्स हो गए, कुछ भी हो गया. सो दैट इज द रीजन फाउंडेशन मैटर्स. सो अभी जहाँ पर जिस स्टूडियो में खड़े होकर मैं क्लास ले रही हूँ, वहां पर जुगाड़ू सर की एक लैब है ना, ही वाज क्रिएटिंग द लैब टुडे ओनली. वहां पर एक कोट लिखी हुई है जो मैं अभी पढ़ के सुनाती हूँ. सर विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो लेटर ऑन. सो द कोट सेज, एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोट है, द कोट सेज नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग. अगर तुमने सोचा कि यार जेई मेरा मेन एग्जाम है, डायरेक्टली वही एग्जाम लिखूंगा, तो भाई सब बहुत मिस्टेक्स करोगे एंड यू डू नॉट हैव एनी अदर चांस टू रिग्रेट और टू अनडू द मिस्टेक्स, राइट. बट जैसे सर ने बोला, अगर बीच में जो पेपर्स आ रहे हैं तुम उनको पेपर्स को दोगे, सो यू विल गेट टू नो योर मिस्टेक्स एंड यू स्टिल हैव द टाइम टू अनडू दोज मिस्टेक्स, राइट. फॉर जो मेन एग्जाम तुम्हारा है उसको अनडू, मतलब उसमें मिस्टेक्स अवॉइड करोगे, राइट. सो नेवर स्टॉप लर्निंग, राइट. हर बार नए नए पेपर देते रहो, मिस्टेक से काफी कुछ तुम्हें सीखना चाहिए. And as they say, the successful people will never say कि ये नहीं हो सकता, only a failure will say कि ये इसलिए नहीं हो सकता. तो try to understand, मतलब पूरी psychology को समझो. And guys, I am very sure, मतलब I hope that we are not boring you with that, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, reality is a little, is not supposed to be a प्रवचन session, मतलब and also यार sometimes reality is a little bitter, मतलब जो दवाई थोड़ी कड़वी होती है, but हम लोगों ने वो दवाई दवाई मीठी होती है. तो जुगाड़ू आर्मी नाउ टेल मी द आंसर कि ऐसे क्यों बोलते हैं दवाई हमेशा कड़वी होती है, और एनी ऑफ द एसवी एटम, व्हाई डोंट वी से होम्योपैथिक दवाई भी तो होती है. हां ठीक है. एंड फाइनली मतलब कंक्लूड करते हैं कि हैव अ पॉजिटिव कंपटीशन स्पिरिट यार. मतलब मुझे अभी भी याद है, देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट अक्षय, आनंद, मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन वर देयर, एंड आई यूज्ड टू हैव अ वेरी नेगेटिव कंपटीशन स्पिरिट, राइट. हम ये भूल जाते हैं यार कि मैं 10th क्लास में जब होता हूं, मैं 40 बच्चों की क्लास में होता हूं. 40 बच्चों में टॉप 3 में आना इज रादर इजी. जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिखने जाते हो दोस्त, तो 40 की क्लास ना खिसक कर 4 लाख की क्लास हो जाती है. Not even 4 लाख. 14 लाख students appeared for JEE. Yeah. So it just surpasses to exponents. मतलब exponentially बढ़ जाती है. अब तब आपको अगर आप सोचो कि यार मैं टॉप क्यों नहीं कर रहा, तो अगर आप 5,000 में भी आ रहे हो तो भी आप टॉपर हो. मतलब यू हैव टू हैव द पॉजिटिव कॉम्पिटिशन स्पिरिट एंड गेट योर ब्लिंकर्स ऑन. घोड़े के ब्लिंकर्स होते हैं ना यार, ना वो इधर देखता है ना उधर देखता है, बस सामने देखता है. सो दैट स्पिरिट हैज टू बी देयर, क्योंकि अगर आप टॉपर से जेलसी फील करोगे ना तो आप बस उसी में ही लगे रहोगे. यस, ये जेलस वाला फैक्टर शुड नॉट बी देयर. आई हैव सीन मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो, यू नो दे वर जेलस कि बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं, हमने ये चैप्टर कर लिया बट वी वोंट टेल एनीवन कि हमने चैप्टर कर लिया, बिकॉज़ पीपल स्टार्ट गेटिंग दिस जेलस फीलिंग. सो प्लीज अवॉइड दैट. दैट इज लाइक बहुत छोटी मोटी चीज होती है यार. यू आर ग्रोन अप नाउ, डोंट थिंक अबाउट दिस जेलस थिंग. जस्ट बी ओके, बी चिल्ड आउट. एक कोटेशन है, बी योरसेल्फ बिकॉज़ एवरीबॉडी एल्स इज टेकन. मतलब सब दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं यार, खुद तो अपनी जिंदगी जी रहे हो. मतलब कोई मतलब नहीं है यार. आफ्टर अ स्टेज यू विल रियलाइज कि यार, मुझे अभी भी याद है वो जो 10 रुपए वाली एक वो मिलती थी, जेली मिलती थी, और मुझे लगता था यार वो 10 रुपए वाली जेली जो खा रहे वो अमीर है, राइट. और अभी आप मतलब 10,000 खरीद सकते हो. सो परसेप्शन है, लाइफ इज ऑल अबाउट परसेप्शन. तो अभी जिसको आपको लग रहा है सर ये टॉपर है, हो सकता है आप उससे बढ़िया बन जाओ, राइट. मतलब आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाने वाला है. एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी. अभी जैसे वी टुक अ सेशन है ना, एक बहुत सारे बच्चों के माइंड में ना एक बैक एंड में एक पिक्चर बन गई है कि इफ यू गो टू आईआईटी देन ओनली यू आर सक्सेसफुल. तो आई वुड लाइक टू टेक दैट थिंग बैक. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम आईआईटी जाओगे तभी तुम सक्सेसफुल हो. इफ यू आर नॉट एन आईआईटीएन यू आर नॉट सक्सेसफुल. प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. Absolutely. You go to IIT, there also you have to struggle to decide your life. You do not go to IIT, then also you have to struggle to decide your life. So जाना IIT या नहीं जाना, कोई भी एक जो एग्जाम है उसका क्लियर होना या नहीं होना, that doesn't decide, that is not the only factor to decide your happiness. Yeah. Okay? And also it matters कि आपका पैशन क्या है. Like मतलब सपोज आपको पता ही होगा कि हैदराबाद में मेरी कोई कॉर्पोरेट जॉब थी एंड एवरीथिंग, आपका भी. तो मतलब दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट इन लाइफ, राइट. चलिए, सेल्फ असेसमेंट, केमिस्ट्री के सेल्फ असेसमेंट मांग रहे हैं मैम आपसे. एंड और कुछ मतलब एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू. एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, आई विल से वन मोर थिंग. बहुत सारे बच्चे ना हेजिटेट करते हैं. लाइक बिगिनिंग में आई वाज आल्सो वेरी शाय. आई यूज्ड टू हेजिटेट कि अगर मैंने ये डाउट अपनी टीचर से पूछा तो शी विल जज मी, आई मीन ही विल जज मी कि इसको इतना भी नहीं आता, इज शी सो डम. तो फिर आई रियलाइज्ड कि ऐसा करते करते तो मैंने खुद ही यू नो अपने आप को बहुत ही नीचे कर दिया. सो दिस इज वन थिंग विच आई वुड लाइक टू से. एंड यू नो अब तो यार ये चीज प्रॉब्लम ही नहीं है. इफ यू हैव डाउट्स आई थिंक यू शुड गो टू अनअकैडमीज लर्निंग ऐप, जहां पर यू कैन आस्क योर डाउट, है ना. सो दैट इज वन ग्रेट थिंग. ट्राई आउट दिस थिंग. No one will judge you. No one will judge you. But जो doubt आज है मन में वो पूछ लो. That is what I'm saying. If you have any doubts, please do ask your doubts in the chats. We will try to answer your doubts. Absolutely. And yeah, like concluding with this thought, कई बार मतलब हम ऐसे ही करते हैं कि मतलब जैसे LCM, HCF नहीं आता, for instance, नहीं आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, right? तो हम लोग पूछते नहीं है वो, right? And जो वो छोटी सी चीज फिर इतना बड़ा पहाड़ बन जाती है जब आप, क्योंकि जेई का एक सिंपल सा फंड है. हां, यू नो इफ यू डू नॉट नो एलसीएम एचएफ आई थिंक यू वोंट बी एबल टू डू दैट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस. एंड आल्सो मतलब इतनी बार हमारा 10th में यार जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, एलसीएम नहीं लेना आता तो 1/r करते ही जाओगे, राइट. सो दीस आर द बेसिक थिंग्स. और दूसरी बात है, नेवर शाय अवे. मतलब जो अभी आपने बोला, डोंट शाय अवे फ्रॉम आस्किंग द डाउट्स यार. मतलब टीचर से, डॉक्टर से, लॉयर से और पेरेंट्स से, इन 4 लोगों से कभी झिझकना नहीं चाहिए. हाँ ठीक है, कभी झिझकना नहीं चाहिए टू टेल व्हाट यू फील लाइक. क्योंकि अभी ये जो छोटे छोटे वो हैं, ये पूरी बिल्डिंग हिला सकते हैं डाउट्स. और जेई में आज तक कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा. मतलब इट इज ऑलवेज थोड़ा सा ये आ गया, थोड़ा सा ये आ गया, थोड़ा सा ये आ गया, लाइक इंटरकनेक्टिविटी ऑफ थिंग्स. सो दैट मैटर्स द मोस्ट. सो आई थिंक नाउ वी शुड बी कंक्लूडिंग द सेशन. मैंने फिर वो गलती कर दी मैम. मैं आजकल क्या करता हूँ, मैं चैट पर क्लिक करता हूँ और अपने ही सेशन पर डिसलाइक कर देता हूँ. Are you so not confident about your session? नहीं, गलती से डिसलाइक हो जाता है. तो ये गलतियां करनी छोड़ दो. देखो, he is my younger brother. Still I will ask him, do not do these mistakes, है ना. So the same way you all are our brothers and sisters, right? So just I would like to conclude here one thing कि सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेनी है, चिल मार के पढ़ाई करो फॉर व्हाटएवर एग्जाम यू आर डूइंग, जस्ट एंजॉय योर लाइफ एंड प्रिपेयर। अगर बर्डन लेके पढ़ोगे, चाहे तुम 9th-10th में हो या फिर 11th-12th में हो या फिर एक ड्रॉपर हो, अगर बर्डन लेके पढ़ोगे तो फिर वो इतना बोझ हो जाएगा कि बोझ से लदा बचपन कब खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा। So, enjoy करके पढ़ो, है ना, be happy and just feel free to ask whatever queries you have to your teachers, to your parents, है ना, अपने friends से जो भी तुम्हें अच्छे से बात करनी है, you can do that. Absolutely. So we should be concluding the session क्योंकि हम लोग speeches भी बहुत देते थे. One of the like Hindi quotation that I remember right now is कि मंजिल तुझे मिल जाएगी, तू कदम बढ़ाकर तो देख, मार्ग के शूल भी फूल बन जाएंगे तो मुस्कुराकर तो देख, होठों पर नित नए गीत सज जाएंगे तो गुनगुनाकर तो देख, इस जीवन का ये मन है सच्चा साथी, तो इसकी तरफ हिम्मत का हाथ बढ़ाकर देख। सो दैट्स माय लास्ट लाइन, दैट्स आवर लास्ट लाइन, सेल्फ बिलीफ इज द की। मन में ठान लो यार कि IIT क्लियर कर लोगे और एक दिन हो जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस बस बस, नाउ लेट अस फाइंड आउट अदरवाइज तुम्हारे जुगाड़ू सर का एक वो एक और भूत है, some other time he'll tell you about that. चलो कुल्लड़ की चाय। चलो, so thank you so much guys for being with us throughout the video, है ना? वो आगे चलेंगे। So let me just tell in a very brief this one कि जिन लोगों ने अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्लीज डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल। जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं, सेशंस हैं, वो आपको इस पर मिल जाने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन दोस्त, अभी बोर्ड्स आपके पास मतलब लेस देन 3 months आर लेफ्ट, सो यू कैन ट्राई टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी पूछ लीजिए, मतलब और मैंने आपको यार 25 बार ये बता रखा है कि दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है दैट रिक्वायर्स मतलब कोचिंग, बट हम लोग क्या है, कैटलिस्ट हैं यार, समझ रहे हो कि आपका एक अच्छा ग्रुप बन जाएगा, अच्छी क्लास में रहोगे, अपने आप मोटिवेशन बढ़ता है पढ़ने के लिए, राइट। एंड स्पेशल क्लासेस इज वन थिंग जो अगर अभी आपको लगता है कि नहीं यार वी आर डाइसी अबाउट कि सर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, तो कम टू द स्पेशल क्लास एवरी डे। आई टेक फ्री स्पेशल क्लासेस एट 6 PM, राइट, एंड यू कैन कम टू द स्पेशल क्लासेस एंड यू विल गेट टू नो कि किस तरह से प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, राइट। सो CG लाइव इज माई कोड एंड मैम आपका कोड क्या है? It is Sakshi Live. Sakshi Live. So Sakshi Live is ma'am's code. CG Live is my code. You can use either of the code to get 10% discount. In the next month, the discount is going to get reduced to 5%. So अभी भी आपके पास 10 दिन पर्चे हैं. So if you want to take a subscription, now is the right time. And thank you very very much. There's another feature on Unacademy called Ask a Doubt. जिस बच्चों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया, please do it. It's one of the bazinga features. कि इसमें तो यार मतलब एवरीथिंग, आस्क अ डाउट, एवरी इंडिविजुअल अटेंशन आपको दी जाएगी। अब बस डाउट अपना पूछिए, यू विल गेट एन आंसर एज सून एज पॉसिबल। सो दिस वाज इट गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू साक्षी मैम फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस सेशन एंड आई होप यू लाइक्ड इट। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, चिल आउट, बाय बाय।